आज अपन खड़े हैं बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास में। खूब सारे गांव है वहां पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट इंडिया विलेज का लास्ट पोस्ट ऑफिस। अभी तो बंद हो चुका ऑफिस से है ना, चिट्ठियां भेजा करते थे। तो देखो ये है पोस्ट ऑफिस, पूरा बंद हो चुका है, खंडर हो चुका है। पता नहीं आप क्या तुतिंग जा रहे हो? तुतिंग जा रहे हो? तुतिंग खम्मा गणेश नोमेड शक्ति 2.0 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय माता दी के साथ आज अपन है गेलिंग जा रहे हैं, मतलब अभी मैं हूँ बिल्कुल चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ आज सुबह के साथ में। ये देखो प्यारा सा नज़ारा, यहाँ पे वाटरफॉल है। और आज यार फेस्टिवल है गेलिंग में। गेलिंग मतलब अपर सियांग साइड में जो लास्ट इंडिया विलेज गेलिंग अपन जा रहे हैं और फेस्टिवल देखेंगे कैसा क्या रहता है। और काफ़ी लोग अभी जा रहे हैं यार गेलिंग। देखो रोड भी अभी काफ़ी अच्छा बन गया ना, तो मैं दिखाना चाहता था आपको सुंदर सा वाटरफॉल और इसके साथ अभी सुंदर सा विलेज, लास्ट इंडिया विलेज काफ़ी सुंदर है मैंने सुना है। देखते हैं। और वहाँ पे बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पे लास्ट इंडिया विलेज में। नमस्ते। बस वीडियो फेस्टिवल जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो अभी अपन निकल रहे हैं विलेज के साइड में। भैया लेके जा रहे हैं अपन को टूटिंग से। भैया क्या नाम है भैया आपका? कालिंग, कालिंग पादा। कालिंग पादा। और ये यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर है। तो इनका चैनल भी देख लेना। आपका नाम क्या? मेरा जिले का नाम है कालिंग पादा C J 7। कालिंग पादा C J 7। तो देख लेना भाई को भी। और अभी अपन जा रहे हैं एक फेस्टिवल में, युवा फेस्टिवल। और बुद्धिज़्म का काफ़ी यूनिक फेस्टिवल है जो अपन अभी विजिट करेंगे। तो आपको भी दिखाने वाला हूँ, काफ़ी मजा आने वाला है। रास्ता कुछ ऐसा है और ये अपन ऐसे जाते जाएंगे ना चाइना में पहुँच जाएंगे। एकदम पास में जाने वाले चाइना में। और टूटिंग से टोटल 28 या 29 किलोमीटर होगा ना। 28 किलोमीटर है गेलिंग। गेलिंग जा रहे हैं अपन, ठीक है चले। टर्निंग पॉइंट काफ़ी है यार इधर सच में। रास्ता अभी काफ़ी दूर तक रास्ता बन गया है। hey! बच्चे लोग खेल रहे हैं। रास्ता काफ़ी दूर तक अच्छा बन गया है, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प होगी, हमें भी हेल्प होगी और जो अपनी इंडियन आर्मी है उनको भी काफ़ी हेल्प। तो ये फाइनली जो व्यू आया है ना लास्ट विलेज पहुंचने के बाद में, वो आता है ये व्यू यार सियांग नदी का। और ये खूबसूरत सा हिमालय, हमारा पहाड़ देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है ऐसे डिजाइन से। और ये जो सामने बस्ती देख रहे हो ये है नारमुलिंग, है ना? नारमुलिंग बस्ती है। और अभी अपनी फाइनली पहुंच गए हैं। भाई भी अपना सेटअप रेडी कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो के लिए। तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट विलेज। ये देखो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया गेलिंग। अब फर्स्ट चाहो कहो या फिर लास्ट, चाइना से आने से फर्स्ट हो जाएगा, नीचे से आने से लास्ट हो जाएगा, तो जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है फर्स्ट विलेज। तो ऐसा कुछ ये गेलिंग विलेज यार, काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी लोग है, अभी काफ़ी लोग है, फिर बाद में सारे नीचे चले जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए। अभी क्योंकि इनका फेस्टिवल है ना ध्रुबा फेस्टिवल, तो उसके लिए यहाँ पे सारे लोग आ रखे हैं। देखो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी खड़ी है। और अभी अपन ऊपर जाएंगे, एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है यहाँ पे, मोनेस्ट्री, उसको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे कैसा क्या रहता है फेस्टिवल। तो यार आज अपन खड़े हैं बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास में। और यहाँ पर देखो तिरंगा, अभी हवा नहीं चल रही इसलिए हमारा तिरंगा लहरा नहीं रहा है चाइना बॉर्डर पे, लेकिन तिरंगा लग रहा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज मैं चाइना बॉर्डर पे खड़ा हूँ और एकदम सेफ फील कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी की वजह से। तो सलूट है, सीधे हाथ से कैमरा पकड़ रखा इसलिए उल्टे हाथ से सलूट कर रहा हूँ। सलूट है इंडियन आर्मी को। और आप लोग भी कमेंट में सलूट कर सकते हैं उनको, क्योंकि उनकी वजह से एकदम सेफ फील कर रहा हूँ मैं चाइना बॉर्डर पे, नहीं तो कैसे आ सकते थे, नहीं आ सकते थे अपन। तो ऐसा कुछ ही लास्ट विलेज है और तिरंगा लहरा है। चाइना बॉर्डर जस्ट जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, वो उस पहाड़ के जस्ट ऊपर चढ़ोगे तो चाइना का रोड दिख जाता है और चाइना के गांव भी दिख जाते हैं। खूब सारे गांव है वहाँ पे, न्यांगची करके हम मैंने मैप में देखा था, न्यांगची सिलुंग सिमुंग ऐसे करके अलग अलग गांव है। तो वो लोग आते हैं ऊपर, एक स्तूपा बनाया हुआ है, जो स्तूपा मैं आपको दिखाता हूँ ना,
वैसा स्तूपा बनाया है, वो दिख रहा है आपको वो वाला स्तूपा। तो वो लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे आके पूजा करते हैं। तो अलग अलग दोनों का टाइमिंग रहता है ना, जो गैलिंग वाले रहते हैं ना उनका अलग, मतलब अपने इंडियन वाले उनका टाइमिंग थोड़ा अलग रहता है ऊपर जाने का, और उधर से जो आने वाला है उनका टाइमिंग अलग रहता है पूजा करने का। तो दोनों साइड से आते हैं, पूजा करते हैं स्तूपा पे। बहुत पुराना स्तूपा है और उसमें यार गोली का निशान भी है, जब यहाँ पे वॉर चली थी ना उसकी गोली का निशान भी है काफी। अभी जस्ट अपन पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री, गैलिंग विलेज की जो मोनेस्ट्री वहां पे पहुंच गए, जहां पे मतलब फेस्टिवल चल रहा है। तो देखो ये है मेन गेट फेस्टिवल का, मोनेस्ट्री का मेन गेट, और यहां पे आज फेस्टिवल चल रहा है। और यहां पे देखो भाई जो मास डांस की तैयारी चल रही है ऐसा कुछ चल रहा है सिस्टम, काफी यूनिक है यार डांस। ओ ये देखो ये देखो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ यूनिक सा प्रेजेंट है मिलके, काफी अलग फेस्टिवल है और मेरा फर्स्ट टाइम है गैलिंग में। तो ऐसा कुछ अपन देख रहे हैं, देखो ये चार जने मिलके किसी को खींच रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना, ठीक है मैं पूछूंगा क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। फेस्टिवल हो और वहाँ पे कैंटीन ना हो, चाहे कोई सी भी जगह फेस्टिवल हो तो यहाँ पे कैंटीन जरूर होगा। तो अपन अभी जाएंगे कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग गई मेरे को, खाने वाली भूख लग गई तो देखते हैं इधर वहाँ पे कैंटीन है और मतलब तो दुकान खोल के रखी यार, वैसे यहाँ पे शायद दुकान नहीं होती होगी इतना दूर, क्योंकि इतने आदमी भी नहीं है ना गाँव में, सारे सब नीचे रहते हैं। देखो ये मास्क पहन रखा है, इधर थोड़ा पास में आओ ना, गिने ले। मास्क पहन के आप ही थे क्या वो? नहीं, ये किससे बना होता है? लकड़ी से। तो एक बार थोड़ा सा इधर देखो ना असली फेर ओ ऐसा ना, मैं भी पहन लेता हूं। बढ़िया यार, क्या नाम है नहीं? मालूम नहीं। फ्रॉम जयपुर। जयपुर
राजस्थान अच्छा है। और क्या नाम है? तुतिंग में रहते हो? तुतिंग गोम्पा में। मैं आऊंगा, मिलोगे मुझसे? अभी अपन रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और जस्ट इस पेड़ के पीछे है ना, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है। गया था मैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जाएंगे कभी भौतिक भाई के साथ, जब वो नागा पार जाता है ना तब जाएंगे। और उधर ये जो पहाड़ है, इसके पीछे जो सियांग जो रिवर है, वो एंट्री मतलब वहाँ से एंट्री होती है ना चाइना से, इस पहाड़ के जस्ट पीछे बीसिंग विलेज से सामने दिखता है। जाएंगे कभी। और वो देखो वहाँ पे शूटिंग कर रहा है भाई। अभी थोड़ी देर और रुकेंगे, और अभी थोड़ी देर में लंच टाइम होने वाला है, और उसके बाद में अपन खाना वाना खाएंगे, और फिर उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, वो देख के जाएंगे। खाना खाना खाना, और वो भी लास्ट विलेज में भाई। और अभी अपन खाना खाने का समय आ चुका है। खाने में कुछ पूरा वेज है टोटली, और देखो सोयाबीन मिक्स करके विस मिक्स वेज सब्जी एंड सलाद, चटनी, चावल और दाल। मजा आए ना? काफ़ी इंजॉय भरा। और अभी थोड़ा लंच टाइम है तो सब लंच कर रहे हैं, उसके बाद में फिर वापस से डांस वांस जो स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन, लेकिन हम शायद निकल जाएंगे, ठीक है? अंधेरा हो जाएगा, काफ़ी दूर जाना है। और नीचे जाके आपको गांव वालों से बातचीत कराऊंगा, थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा। खाना खाते हैं और फिर जाते हैं उधर से नीचे साइड में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट इंडिया विलेज का लास्ट पोस्ट ऑफिस। अभी तो बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अपने भारत माता तिरंगा काफ़ी लहरा रहा है। देखो कुछ ऐसा है, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया है। कितनी वो यार अलग चीज़ थी, जब पहले फ़ोन कॉल वगैरह नहीं होता था, सिर्फ पोस्ट ऑफिस से है ना चिट्ठियाँ भेजा करते थे। तो देखो ये है पोस्ट ऑफिस, पूरा बंद हो चुका है, खंडर हो चुका है। पता नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ पोस्ट तो भेज सकते हैं ना। देखो ये रहा, ये नया है ना, और तिरंगा, वाह। जब ऐसा ले रहते हो देखते ना तो काफी जोश आ जाता है मुझे यार। और ऐसा कुछ, ये लास्ट विलेज है गैलिंग। सामने बारिश हो रही है क्या? वहां पे एक वाटरफॉल यार, इसमें दिखेगा नहीं अपने, दिख रहा होगा ना आपको, देखो वो रहा, काफी बड़ा वाटरफॉल है। वहां तक मैं गया था यार, लेकिन वो पुराने चैनल में वीडियो इसकी। अभी भी यहाँ पे साइड तक नीचे से कहीं से भी कुछ सामान पोस्ट ऑफिस द्वारा अगर आता है तो यहाँ पे आता होगा साइड, क्योंकि बना के तो रखा है, वो पुराना है। यहाँ पे एक नया खोला है, मतलब सामान तो आता होगा, लेकिन वो जो पुरानी फील है ना वो तो कभी नहीं मिल पाएगी। जैसे पुराने लोग चिट्ठियाँ भेजा करते थे अपनी फैमिली को इन्फॉर्मेशन के लिए, आज ऐसा हुआ है, कितने टाइम बाद में वो चिट्ठी पहुँचती थी, आज की खबर कब पहुँचती थी, तो उसकी वाइब तो अलग है। अभी आजकल तो अपन डायरेक्ट फ़ोन करके बोलते थे भाई ऐसी दिक्कत हो गई, ऐसी दिक्कत हो गई, पहले चिट्ठी का वेट करना पड़ता था। अभी भी चल रहा है ऊपर प्रोग्राम, और सिर्फ एक कैंटीन है, डांस काफ़ी। और कैसा लगा आपको लास्ट इंडिया विलेज, फर्स्ट इंडिया विलेज, कमेंट में लिखो, ठीक है? तो सारे जाने वाले हैं तुतिंग। क्या तुतिंग जा रहे हो? तुतिंग जा रहे हो? तुतिंग मिलेगा तुतिंग में भाई, सारे पिकअप में जा रहे हैं लास्ट इंडिया विलेज से तुतिंग की साइड में। तुतिंग में मोनेस्ट्री है ना बहुत बड़ी, तो वहाँ पे ये सब पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे रहते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था उधर ही है, काफी बड़ी मोनेस्ट्री है। शायद अगला वीडियो तुतिंग मोनेस्ट्री का हो, पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा, ठीक है? कैसे ये इनका क्या पढ़ाई का दिनचर्या कैसे क्या रहता है, सब कुछ रहेगा। तो अभी भाई अपन जाने का समय आ गया है यहाँ से गैलिंग से तुतिंग की साइड में, अंधेरा होने के लिए कुछ ही देर बाकी है, फटाफट जाने से क्यों फायदा रहेगा ना, तो यार बहुत ठंडा हो जाएगा। सुबह भी तो हालत खराब हो गया था मेरा बाइक चलाते हुए, सुबह भी काफी अपन कांप गए थे भाई। और ये बस्ती को बाय बाय, और गैलिंग को बाय बाय, फिर से अपन ज्वाइन करेंगे दुआ फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, काफी मजा आने वाला। और अभी लोसर भी आने वाला है, उसमें भी अपन ज्वाइन करेंगे। वीडियो काफी अच्छा लगा होगा भाई के साथ और मेरे साथ, बने रहो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? प्लीज सब्सक्राइब नोमेड शक्ति 2.0। हाँ थैंक यू, ओके।